चलिए आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सीएस प्रोफेशनल के लिए है। चैप्टर का नाम है टैक्स ट्रीटीज एंड डीटी डबल ए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सीएस प्रोफेशनल में इस चैप्टर में से अगर अपन लास्ट अटेम्प्ट देखेंगे 5 to 10 अटेम्प्ट, हर अटेम्प्ट में आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। थ्योरी क्वेश्चन भी आया है और प्रैक्टिकल। जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी इस चैप्टर का प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो आज आज के लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर थर्ड में हम पूरी थ्योरी कंप्लीट करेंगे। न्यू सिलेबस के लिए भी है, ओल्ड सिलेबस के लिए भी है। इसके बाद लेक्चर नंबर फोर में उसमें सिर्फ मैं आपको 6 प्रैक्टिकल्स करा के दूंगा। और जहां तक मैं समझता हूँ सीएस प्रोफेशनल के लिए, खासकर सीएस प्रोफेशनल के लिए ये 6 क्वेश्चन मोर देन सफिशियंट रहेंगे। क्लियर? लेकिन पहले आज आराम से पूरा डिटेल में हम क्या रीड आउट करेंगे थ्योरी, और नेक्स्ट क्लास में हम उसके क्या देखेंगे प्रैक्टिकल। क्लियर? चलो चैप्टर का नाम क्या है, टैक्स ट्रीटीज एंड डीटी डबल ए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, वापस समझना, चैप्टर का नाम क्या है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसे कई बार रिलीफ भी बोलते हैं। ये सिर्फ 3 सेक्शन में है। कितने सेक्शन में है? 3, 90, 90A और 91। वापस समझना, डबल टैक्सेशन रिलीफ अगर हम क्लेम करेंगे तो हम सिर्फ 3 सेक्शन से एप्लीकेबल रहेंगे, 90, 90A और 91। अब सबसे पहला थ्योरी का क्वेश्चन आता है टैक्स ट्रीटीज एंड डीटी डबल ए में, व्हाट इज टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी इज अ बायलेटरल एग्रीमेंट। क्या है ये? बायलेटरल एग्रीमेंट मतलब दो किसके बीच में बनाया जाता है, टू कंट्रीज टू रिजॉल्व इशू इन्वॉल्विंग डबल टैक्सेशन ऑफ पैसिव एज वेल एज एक्टिव इनकम। क्लियर हुआ? व्हाट इज टैक्स ट्रीटी? टैक्स ट्रीटी एक बायलेटरल एग्रीमेंट है। वापस समझना, टैक्स ट्रीटी क्या है? एक बायलेटरल एग्रीमेंट है। किनके बीच में बनाया जाता है? दो कंट्रीज के बीच में बनाया जाता है। कौन से इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए? डबल टैक्सेशन ऑफ एक्टिव एज वेल एज पैसिव इनकम। टैक्स ट्रीटीज जनरली डिटरमाइन अमाउंट ऑफ टैक्स दैट अ कंट्री कैन लेवी टू अ टैक्स पेयर्स इनकम ऑब्लिक कैपिटल। अ टैक्स ट्रीटी इज ऑल्सो कॉल्ड डबल टैक्स एग्रीमेंट या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट खासकर न्यू सिलेबस, आर्टिकल 2 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑन लॉ एंड ट्रीटीज 1969 डिफाइंड ट्रीटीज एज। ट्रीटी मीन्स एन, क्या है ये? वियना कन्वेंशन के हिसाब से इंटरनेशनल एग्रीमेंट कंक्लूडेड बिटवीन स्टेट्स इन रिटन फॉर्म एन गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉ, वेदर एम्बॉडीड इन सिंगल इंस्ट्रूमेंट और इन टू और मोर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड वॉट एवर इट्स पर्टिकुलर डेजिग्नेशन। इन होम कंट्री टैक्स क्या है? ऑब्लिगेशन। वाइल इन द होस्ट कंट्री टैक्स इज अ कॉस्ट। देयरफॉर देयर इज नीड टू अचीव टैक्स एफिशिएंसी। याद रखना ये, होम कंट्री में टैक्स क्या है? ऑब्लिगेशन है, और होस्ट कंट्री में टैक्स क्या है? कॉस्ट। देयरफॉर देयर इज अ नीड टू अचीव टैक्स एफिशिएंसी। मेनी कंट्रीज हैव एंटर्ड इनटू टैक्स ट्रीटीज ऑल्सो कॉल्ड डबल टैक्स एग्रीमेंट और DTA विद अदर कंट्रीज टू अवॉइड और मिटिगेट। हम टैक्स ट्रीटी या डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट डबल टैक्स एग्रीमेंट्स क्यों करते हैं? डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए। सच ट्रीटीज में कवर रेंज ऑफ टैक्सेस, किस किस चीज के लिए? इनकम टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्सेस, वैल्यू एडेड टैक्सेस और अदर टैक्सेस। द स्टेटेड गोल फॉर एंटरिंग इन टू अ ट्रीटी ऑफन इंक्लूड, सबसे फर्स्ट, रिडक्शन ऑफ डबल टैक्सेशन। सिंपल है, ट्रीटी क्यों की जाती है, किस चीज को कम करने के लिए? रिडक्शन ऑफ डबल टैक्सेशन। सेकेंड, एलिमिनेटिंग टैक्स इवेजन। थर्ड, एनकरेजिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एफिशिएंसी। इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट टैक्स ट्रीटीज इंप्रूव, क्या इंप्रूव करता है? सर्टेनिटी फॉर टैक्स पेयर्स एंड टैक्स अथॉरिटीज इन देयर इंटरनेशनल डीलिंग। बेटा ये याद रखना, कहां के हिसाब से है? वियना कन्वेंशन ऑन लॉ एंड ट्रीटीज 1969। क्लियर? अब बी पार्ट, टाइप्स ऑफ डीटी डबल ए। डीटी डबल ए कैन बी ऑफ टू टाइप्स। सबसे फर्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव डीटी डबल ए और लिमिटेड डीटी डबल ए। डीटी डबल ए कितने टाइप का रहेगा? डीटी डबल ए बेसिकली दो टाइप का है। सबसे फर्स्ट क्या हो गया? कॉम्प्रिहेंसिव डीटी डबल ए और लिमिटेड डीटी डबल ए। कॉम्प्रिहेंसिव डीटी डबल ए आर दोज विच कवर
ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ इनकम. व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव डी टी डबल ए? वापस समझना, कॉम्प्रिहेंसिव डी टी डबल ए आर दोज विच कवर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ इनकम कवर्ड बाय एनी मॉडल कन्वेंशन. मैनी ए टाइम ट्रीटी कवर्स वेल टैक्स, गिफ्ट टैक्स, सर टैक्स एक्सेट्रा टू. मतलब सब चीज को लेकर जो डी टी डबल ए बनेगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव डी टी डबल ए. लिमिटेड डी टी डबल ए आर दोज विच आर लिमिटेड टू सर्टेन टाइप ऑफ इनकम ओनली. एग्जाम्पल, डी टी डबल ए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज लिमिटेड टू शिपिंग एंड एयरक्राफ्ट प्रॉफिट्स ओनली. किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर जब बनता है तो क्या कहलाता है? लिमिटेड डी टी डबल ए. क्लियर? तो डी टी डबल ए कितने टाइप का हो गया? डी टी डबल ए बेसिकली दो टाइप का हो गया. फर्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंसिव डी टी डबल ए और दूसरा लिमिटेड डी टी डबल ए. वॉट इज कॉम्प्रिहेंसिव डी टी डबल ए? सारे सेक्टर्स को, सारी चीजों को, सारी पॉइंट्स को कवर करके जो बनता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव. और पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जो बनेगा, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड डी टी डबल ए. क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, डबल टैक्सेशन. वहां लिख लेना शॉर्ट नोट. डबल टैक्सेशन ऑकर्स व्हेन एन असेसी इज रिक्वायर्ड टू पे टू और मोर टैक्सेस फॉर सेम इनकम, एसेट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन डिफरेंट कंट्रीज. वापस समझना, क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट इज डबल टैक्सेशन? डबल टैक्सेशन ऑकर्स व्हेन एन असेसी इज रिक्वायर्ड टू पे टू और मोर टैक्सेस. टू और मोर, वापस समझना, व्हाट इज डबल टैक्सेशन? जब एक असेसी क्या पे करता है? टू और मोर टैक्सेस. किस चीज को लेके? सेम इनकम, असेट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन डिफरेंट कंट्रीज. दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन. डबल टैक्सेशन ऑकर्स मेनली ड्यू टू ओवरलैपिंग टैक्स लॉस एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्रीज वेयर एन इंडिविजुअल ऑपरेट्स हिज बिजनेस. डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट इज सिस्टमैटिक इम्पोजिशन ऑफ टू और मोर टैक्सेस ऑन द सेम इनकम. द डबल लाइबिलिटी इज ऑफन मिटिगेटेड बाई टैक्स एग्रीमेंट नोन एज ट्रीटीज बिटवीन द कंट्रीज. इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? डी टी डबल ए ट्रीटी करते हैं. वो डी टी डबल ए क्या कहलाता है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. सबसे पहले समझो, व्हाट इज डबल टैक्सेशन? जब एक असेसी दो या दो से ज्यादा बार टैक्स पे करता है, व्हेन एन असेसी पेज टू और मोर टैक्सेस, पे टू और मोर टैक्सेस फॉर सेम इनकम, एसेट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन डिफरेंट कंट्रीज इज नोन एज डबल टैक्सेशन. अब कितने टाइप के डबल टैक्सेशन है? दो टाइप के डबल टैक्सेशन होते हैं. सबसे फर्स्ट ज्यूरिस्डिकल डबल टैक्सेशन और दूसरा इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन. ध्यान देना, क्वेश्चन आ सकता है. पहला कौन सा कहलाता है? ज्यूरिस्डिकल डबल टैक्सेशन. और दूसरा क्या कहलाता है? इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन. ज्यूरिस्डिकल डबल टैक्सेशन रेफर्स टू सर्कमस्टेंसेज वेयर टैक्स पेयर इज सब्जेक्ट टू टैक्स ऑन सेम इनकम और कैपिटल इन मोर देन वन ज्यूरिस्डिक्शन. क्लियर? व्हाट इज ज्यूरिस्डिकल डबल टैक्सेशन? जब एक टैक्सपेयर एक ही इनकम पर, जब एक टैक्सपेयर एक ही इनकम पर एक से ज्यादा ज्यूरिस्डिक्शन में टैक्स पे करता है, मतलब दोनों ज्यूरिस्डिक्शन जहां से वो इनकम अराइज हुई और जहां पर इनकम रिसीव हो रही है, दोनों जगह जब टैक्स पे करता है तो क्या कहलाता है? ज्यूरिस्डिकल डबल टैक्सेशन. अ रेसिडेंट ऑफ कनाडा हु इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. बंदा कहां का है? कनाडा. और उसको और दूसरी जगह वुड बी पोटेंशियली सब्जेक्ट टू कॉन्क्यूरेंट फुल टैक्सेशन इन बोथ कंट्रीज. बायलेटरल टैक्स ट्रीटीज जनरली टेंड टू एलिमिनेट और एटलीस्ट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ ज्यूरिस्डिकल डबल टैक्सेशन. कंपनी एक्स लिमिटेड इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इट हैज सेट अप ब्रांच इन यूएसए. कंपनी एक्स लिमिटेड है जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसने एक ब्रांच कहाँ पे सेट किया? यूएसए. हियर इंडिया वुड बी कंट्री ऑफ रेसिडेंस फॉर एक्स लिमिटेड वेयर यूएसए वुड बी द कंट्री ऑफ सोर्स. यूएसए वुड टैक्स द प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच ऑफ एक्स लिमिटेड लोकेटेड इन यूएसए वेयर एज एक्स लिमिटेड वुड बी टैक्स ऑन वर्ल्ड वाइड बेसिस इन इंडिया इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ इट यूएसए ब्रांच. हाउएवर एक्स लिमिटेड कैन क्लेम, मतलब एक ऐसी इनकम जो दो ज्यूरिस्डिक्शन में टैक्सेबल हो रही है, दैट टैक्सेशन इज कॉल्ड ज्यूरिस्टिकल डबल टैक्सेशन. ऐसी चीजों को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? डी टी डबल ए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट.
if instead of USA X Limited has branch in Hong Kong, then it can claim unilateral relief under Section 91 of the Act in respect of taxes paid by its Hong Kong branch, as India does not have tax treaty with Hong Kong, as the treaty with China does not apply to Hong Kong. फिर देखो वहाँ पे क्या हो सकता है कि आपका bilateral agreement है कि unilateral. Bilateral मतलब एक relief bilateral हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, unilateral. ये आगे डिस्कस करेंगे तो चीज क्लियर होगी कि व्हाट इज बायलेटरल रिलीफ और व्हाट इज यूनिलेटरल रिलीफ. क्लियर हो गया? तो डबल टैक्सेशन कितने टाइप का होगा? फर्स्ट ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन, और दूसरा क्या रहेगा, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन. इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन रेफर्स टू टैक्सेशन ऑफ टू डिफरेंट टैक्स पेयर्स विथ रिस्पेक्ट टू सेम इनकम और कैपिटल. What is economic double taxation? Economic double taxation refers to taxation of two different taxpayers with respect to same income or capital. Economic double taxation occurs, for example, when income earned by corporation is taxed both to the corporation and its shareholder when distributed as dividend. तो ये क्या कहलाता है? Economic double taxation. तो double taxation कितने type से होते हैं? दो. First one is juridical double taxation और दूसरा second one is economic double taxation. Clear? Done? This result due to countries following different rules of income taxation. अब देखो there are so three rules of income taxation. Income taxation के कितने rules हैं? तीन. भाई क्वेश्चन ये भी तो आता है ना सर, डबल टैक्सेशन होता क्यों है? तो उसके तीन रूल्स की वजह से होता है. सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम रूल. द इनकम मे बी सब्जेक्ट टू टैक्स इन द कंट्री वेयर सोर्स ऑफ सच इनकम एग्जिस्ट, वेयर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट इज सिचुएटेड और वेयर असेट प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, वेयर इनकम अर्नर इज रेसिडेंट इन दैट कंट्री और नॉट. तो सबसे पहला रूल कौन सा होता है? सोर्स ऑफ इनकम रूल. इनकम कहां टैक्सेबल होती है? जहां उसका सोर्स होता है. सेकेंड रिसिप्ट रूल. इनकम इज टैक्सेबल इन द कंट्री where it is received. और थर्ड रूल कौन सा रहता है? रेसिडेंस रूल. द इनकम अर्नर मे बी टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इन दैट कंट्री. फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ही मे हैव टू पे टैक्स ऑन एनी इनकम अर्न आउटसाइड इन दैट कंट्री एज वेल. तो इनकम को टैक्सेबल करने के लिए कितने रूल्स फॉलो करता है वर्ल्ड? तीन रूल फॉलो करता है. फर्स्ट वन इज सोर्स ऑफ इनकम रूल, सेकेंड वन इज रिसिप्ट रूल और थर्ड वन इज रेसिडेंस रूल. क्लियर हुआ? सबसे पहला रूल कौन सा होता है? सोर्स ऑफ इनकम रूल, सेकंड वन इज रिसिप्ट रूल और थर्ड वन इज रेसिडेंस रूल. वापस समझना, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? डबल टैक्सेशन. व्हाट इज डबल टैक्सेशन? उससे पहले मैं वापस एक बार और रिवाइज करा रहा हूं. टैक्स ट्रीटी. व्हाट इज टैक्स ट्रीटी? टैक्स ट्रीटी एक बायलेटरल एग्रीमेंट है. किसके बीच में किया जाता है? टू कंट्रीज के बीच में किया जाता है. किस चीज के लिए किया जाता है? रिजॉल्व इशू इन्वॉल्विंग डबल टैक्सेशन. कौन सी इनकम का? एक्टिव इनकम एज वेल एज पैसिव इनकम. क्लियर? फिर ट्रीटी पढ़ लेना. टाइप्स, कितने टाइप्स के डीटी डबल ए हो सकते हैं? दो टाइप के डीटी डबल ए हो सकते हैं. सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव डीटी डबल ए जो ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ इनकम को कवर करता है. सेकंड लिमिटेड डीटी डबल ए जो सर्टेन टाइप ऑफ इनकम को कवर करता है. क्लियर? फिर इसके बाद डबल टैक्सेशन. व्हाट इज डबल टैक्सेशन? व्हेन असेसी इज रिक्वायर्ड टू पे, वापस सुनना, व्हेन असेसी इज रिक्वायर्ड टू पे टू और मोर टैक्सेस फॉर सेम इनकम असेट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन डिफरेंट कंट्रीज इज नोन एज डबल टैक्सेशन. डबल टैक्सेशन कितने टाइप के रहेंगे? दो. फर्स्ट ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन और दूसरा इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन. क्यों डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम आता है? तीन अलग अलग रूल्स की वजह से. सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम रूल, सेकंड रिसिप्ट रूल और थर्ड क्या रहता है? रेसिडेंस रूल. फर्स्ट कौन सा हो गया? सोर्स ऑफ इनकम रूल. सेकंड क्या हो गया? रिसिप्ट रूल. और थर्ड क्या हो गया? रेसिडेंस रूल. क्लियर? अब देखिए, रिलीफ अगेंस्ट सच हार्डशिप कैन बी प्रोवाइडेड मेनली इन टू वेज. सबसे फर्स्ट बायलेटरल रिलीफ और सेकंड वन इज यूनिलेटरल रिलीफ. फर्स्ट वन इज बायलेटरल रिलीफ और सेकंड वन इज यूनिलेटरल रिलीफ. फर्स्ट वन इज बायलेटरल रिलीफ और सेकंड वन इज यूनिलेटरल रिलीफ. वापस सुनना, सबसे पहला क्या रहेगा? बायलेटरल रिलीफ और सेकंड वन इज यूनिलेटरल रिलीफ. क्लियर? फर्स्ट क्या कहलाएगा? बायलेटरल रिलीफ. और सेकंड वन क्या कहलाएगा? यूनिलेटरल रिलीफ. अब सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बायलेटरल रिलीफ. द गवर्नमेंट ऑफ टू कंट्रीज कैन एंटर इनटू डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट सो दैट सेम इनकम मे नॉट बी टैक्स्ड ट्वाइस. मतलब यहां पे दो कंट्रीज एक एग्रीमेंट कर लेते हैं. दैट एग्रीमेंट इज नोन एज डीटी डबल ए, डबल
टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, मतलब एक ही इनकम पर दो बार टैक्स नहीं लगेगा, दैट रिलीफ इज कॉल्ड बायलेटरल रिलीफ. DTAA lays down rule of taxation of the income by source country and the residence country. Such rules are laid for various categories of income, for example interest, dividend, royalty, capital gain, business income, salary income, etc. Each such category is dealt with separate article in DTAA. Thus DTAA are entered into provide relief against such double taxation worked out on basis of mutual agreement between two concerned sovereign states. This may be called a scheme of bilateral relief, as both concerned power agree on the basis of the relief to be granted either of them. Clear हुआ? तो double taxation से हमें relief कैसे मिल सकता है? सबसे पहला क्या रहेगा? Bilateral relief. What is bilateral relief? दो countries मिलके agreement कर लेती हैं. That agreement is known as DTAA, double taxation avoidance agreement. अब bilateral relief के वापस दो method हैं. सबसे पहला एग्जिम्पशन मेथड. सबसे पहला क्या है? एग्जिम्पशन मेथड. और दूसरा कौन सा है? टैक्स क्रेडिट मेथड. व्हेन टू कंट्रीज एग्री दैट इनकम फ्रॉम वेरियस स्पेसिफाइड सोर्सेज व्हिच आर लाइकली टू बी टैक्स्ड इन बोथ द कंट्रीज शुड आइदर बी टैक्स्ड ओनली इन वन ऑफ देम और दैट ईच ऑफ द टू कंट्रीज शुड टैक्स ओनली अ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द इनकम सो दैट देयर इज नो ओवरलैपिंग. मतलब दो कंट्रीज एग्रीमेंट कर लेते हैं कि एक इनकम को या तो वो कंट्री टैक्सेबल करेगी या दूसरी, मतलब दोनों जगह टैक्स नहीं लगेगा, किसी एक जगह टैक्स लगेगा. दैट मेथड इज कॉल्ड एग्जिम्पशन मेथड. सच एग्रीमेंट विल रिजल्ट इन अ कंप्लीट अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ऑफ सेम इनकम इन द टू कंट्रीज. दिस इज नोन एज एग्जिम्पशन मेथड ऑफ रिलीफ. तो बायलेटरल रिलीफ कितने वे में प्रोवाइड होता है? बायलेटरल रिलीफ दो वे में प्रोवाइड होता है. फर्स्ट वन इज एग्जिम्पशन मेथड और सेकेंड वन इज टैक्स क्रेडिट मेथड. क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखो. टैक्स क्रेडिट मेथड. दिस मेथड डज नॉट एनविसेज any scheme of single taxability but merely provides that if any item of income is taxed in both the countries, assessee should get relief in a particular manner. Under this method, assessee is liable to have his income taxed in both the countries but is given a deduction from tax payable by him in the country of residence. Matlab jis country of residence hai wahan pe usko deduction mil jayega as a part of the tax paid by him in source country, usually lower of the two taxes paid. उस income पे इंडिया में भी टैक्स निकालेंगे, बाहर भी टैक्स निकालेंगे, जो लोअर रहेगा उसका, उसको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन. दिस इज नोन एज टैक्स क्रेडिट मेथड ऑफ रिलीफ. इस मेथड को क्या बोलेंगे? टैक्स क्रेडिट मेथड ऑफ रिलीफ. दोनों मेथड में फर्क क्या है? एग्जिम्पशन मेथड में दो में से किसी एक जगह टैक्स लगेगा, यहां दोनों जगह टैक्स लगेगा और जो लोअर होगा उसको हमें क्या मिल जाएगा? क्रेडिट. किस कंट्री में मिलेगा? कंट्री ऑफ रेसिडेंस. किस कंट्री में मिलेगा? कंट्री ऑफ रेसिडेंस. बेटा क्वेश्चन समझना, रिलीफ देने के कितने मेथड्स हो गए? दो, बायलेटरल रिलीफ और यूनिलेटरल रिलीफ. क्लियर? फिर इसके बाद टाइप ऑफ DTAA. कितने टाइप के DTAA है? कॉम्प्रिहेंसिव DTAA और लिमिटेड DTAA. कितने टाइप से डबल टैक्सेशन हो सकता है? ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन और इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन. क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है. यूनिलेटरल रिलीफ. अब क्या लिख के रखा है? यूनिलेटरल रिलीफ. The above procedure for granting relief will not be sufficient to meet all cases. ऐसा क्यों? क्या हम सारी countries के साथ agreement कर सकते हैं? Practically possible नहीं है. तो जिन countries के साथ हमारा agreement है वहां हम कौन से relief के लिए बात करेंगे? Bilateral relief. Agreement तभी बना होगा ना जब bilateral दोनों, और जहां पे bilateral relief possible नहीं है वहां पे government क्या देती है? Unilateral relief. No country will be in a position to arrive at such agreement as envisaged above with all the countries of the world for all time. The hardship of taxpayer, however, is a crippling one in all cases. Some relief can be provided even in such case by home country, irrespective of whether the other country concerned has any agreement with India or has otherwise provided for any relief at all in respect of such double taxation. This relief is known as unilateral relief. This relief is known as यूनिलेटरल रिलीफ. तो रिलीफ कितने वे में प्रोवाइड किए जाते हैं? दो वे में. फर्स्ट वन इज बायलेटरल रिलीफ और सेकेंड वन इज यूनिलेटरल रिलीफ. फर्स्ट वन इज बायलेटरल रिलीफ और सेकेंड वन इज यूनिलेटरल रिलीफ. डबल टैक्सेशन कितने टाइप से रहेगा? दो, ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन और इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन. कितने टाइप के DTAA हो सकते हैं? दो, कॉम्प्रिहेंसिव DTAA और लिमिटेड DTAA.
चलो पॉइंट नंबर डी, यहां भी मैंने क्या लिख दिया, शॉर्ट नोट, नीड फॉर डबल टैक्सेशन. ये सबसे ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है. द नीड फॉर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अराइजेस बिकॉज ऑफ रूल्स इन टू डिफरेंट कंट्रीज रिगार्डिंग चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम बेस्ड ऑन रिसिप्ट, अक्रूअल एंड रेसिडेंशियल. क्यों डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट की, क्योंकि हर कंट्री का अपना अलग रूल है. कुछ जगह रिसिप्ट बेसिस पे है, कुछ जगह सोर्स ऑफ इनकम पे है, और कुछ जगह रेसिडेंस. डबल टैक्सेशन इज फ्रीक्वेंटली अवॉइडेड थ्रू DTAA entered into by two countries of avoid for avoidance of double taxation on same income. DTAA eliminates or mitigates incidence of double taxation by sharing revenues arising out of international transaction by two contracting states of the agreement. DTAA का सबसे बड़ा benefit क्या है, ये eliminate या कम कर देता है incidence of double taxation. कैसे, revenue share हो जाती है international transaction में, किसके बीच में, दो countries के बीच में. एज देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ इनकम एंड टैक्सेबिलिटी देयर ऑफ विच इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, एंड इनकम में बिकम लायबल टू टैक्स इन टू कंट्रीज. और पूरे वर्ल्ड में इनकम और टैक्सेबिलिटी की एक सेम डेफिनेशन नहीं है. इन सच केसेस पॉसिबिलिटीज आर एज अंडर, इनकम इज टैक्सड इन ओनली इन वन कंट्री, इनकम इज एग्जेम्प्ट इन बोथ कंट्रीज, इनकम इज टैक्सड इन बोथ कंट्रीज बट क्रेडिट फॉर टैक्स पेड इन वन कंट्री इज गिवन अगेंस्ट टैक्स पेएबल इन another country. If countries do not have DTAA, then in such case domestic law of the country will apply. In case of India, provision of section 91 of income tax act will apply. मतलब इंडिया में दो चीजें हैं DTAA के लिए, एक bilateral relief है और दूसरा कौन सा है, unilateral. The CBDT has clarified that in case of conflict in provision of agreement of tax avoidance of double taxation in income tax act, provision contained in agreement for DTAA will prevail. Clear? अब रिलीफ हमें कितने वे में मिल सकता है, bilateral relief, और unilateral relief. बायलेटरल रिलीफ दो तरह से, फर्स्ट वन इज एग्जेम्पशन मेथड और सेकेंड वन इज टैक्स क्रेडिट मेथड. बायलेटरल रिलीफ सेक्शन वाइज दो, सेक्शन 90 और सेक्शन 90 ए. यूनिलेटरल रिलीफ सेक्शन 91. क्लियर? तो हमारे प्रैक्टिकल मैक्सिमम सेक्शन 91 पे रहेंगे, हमारे प्रैक्टिकल मैक्सिमम सेक्शन 91 पे रहेंगे. क्लियर हुआ? तो रिलीफ कितने टाइप से है, दो, बायलेटरल रिलीफ और यूनिलेटरल रिलीफ. फिर बात आती है डबल टैक्सेशन. ज्यूरिडिकल और इकोनॉमिक एक ही पेज पे लिखना ताकि रिकॉल हो आपको. कितने टाइप से DTAA कर सकते हैं, बना सकते हैं, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव और दूसरा लिमिटेड. फर्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंसिव और सेकेंड वन इज लिमिटेड. वापस समझना, फर्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंसिव और सेकेंड वन इज लिमिटेड. फर्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंसिव और सेकेंड वन इज लिमिटेड. क्लियर हुआ? रिलीफ हम दो वे में क्लेम कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज बायलेटरल रिलीफ और सेकेंड वन इज यूनिलेटरल रिलीफ. बायलेटरल रिलीफ के लिए दो सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे, सॉरी
90 और 90 ए, यूनिलेटरल रिलीफ सिर्फ एक ही सेक्शन 91। बायलेटरल रिलीफ हम दो मेथड में क्लेम कर सकते हैं, एग्जेम्पशन मेथड और दूसरा क्या है, टैक्स क्रेडिट मेथड। डबल टैक्सेशन दो टाइप से होता है, ज्यूरिस्डिकल और इकोनॉमिक। डी टी डबल ए हम दो वे में बना सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है और दूसरा लिमिटेड। क्लियर, नोट डाउन करो। क्लियर, ये मॉड्यूल में दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स ट्रीटीज, इसको ध्यान से पढ़ना। अभी तक लास्ट अटेम्प्ट में भी शायद इसमें से कुछ भी नहीं पूछा है, तो एक ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स ट्रीटीज। देयर आर टू इन्फ्लुएंशियल मॉडल टैक्स कन्वेंशन, सबसे पहला यूनाइटेड नेशंस, टू इन्फ्लुएंशियल मॉडल टैक्स कन्वेंशन, एक यूनाइटेड नेशंस है और दूसरा ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम क्या बोलेंगे शॉर्ट में ओईसीडी। इन एडिशन मैनी कंट्रीज हैव देयर ओन मॉडल टैक्स ट्रीटीज विच आर ऑफन नॉट पब्लिश्ड बट आर प्रोवाइडेड टू अदर कंट्रीज फॉर पर्पज ऑफ निगोशिएटिंग टैक्स ट्रीटीज। हर कंट्री ने अपनी टैक्स ट्रीटी बना के रखी है लेकिन पब्लिश नहीं की है, वो सिर्फ किसको देते हैं, जिसके साथ उनको एग्रीमेंट करना है। द यूनाइटेड नेशन मॉडल कन्वेंशन ड्रॉज हेविली ऑन ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन, मतलब यूनाइटेड नेशन की जो ट्रीटी है या मॉडल है वो पूरा का पूरा किसके ऊपर हेविली ड्रॉ कर रहा है या किससे देख के बनाया गया या किसको फॉलो कर रहा है, ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइनिंग अ टैक्स ट्रीटी ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स इंटरप्रिटेशन एज दे डिटरमाइन context in which a particular treaty is signed. Organization for Economic Cooperation and Development and UN Model Convention have different objectives as mentioned below. Clear हुआ? तो हमें ये समझना है, सबसे पहला OECD Model और UN Model, इनके object क्या है? OECD Model Convention. Principal objective of Double Taxation Convention is to promote by eliminating international double taxation. OECD model का main object क्या है? Eliminate करना. किस चीज़ को eliminate करना? International double taxation. Second, promote exchange of goods and service, movement of capital and person, and also to provide avoidance and evasion. ये किसके objects हो गए? OECD और Organization for Economic Cooperation and Development. इसके बाद दूसरा क्या है? UN मॉडल कन्वेंशन प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, इसके भी कुछ क्या है ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला ऑब्जेक्ट प्रोटेक्ट टैक्स पेयर, कहाँ से? डबल टैक्सेशन, टू एनकरेज
फ्री फ्लो काय का इंटरनॅशनल ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंट, टू एनकरेज ट्रान्सफर ऑफ टेक्नॉलॉजी, टू प्रिव्हेंट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टॅक्स पेयर, टू प्रोव्हाइड रीजनेबल एलिमेंट ऑफ लीगल अँड फिस्कल सर्टेनिटी टू इन्व्हेस्टर अँड ट्रेडर, मतलब क्या प्रोव्हाइड करना, सर्टेनिटी, टू अराइव ॲट अन एक्सेप्टेबल बेसिस टू शेअर टॅक्स रेव्हेन्यू बिटवीन स्टेट्स, टू इम्प्रूव कोऑपरेशन बिटवीन टॅक्सिंग अथॉरिटीज इन कॅरिंग आउट देअर ड्यूज. क्लियर हुआ? मतलब अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो दो मॉडल कन्वेंशंस हैं, सबसे पहला OECD और दूसरा UN मॉडल. UN मॉडल पूरा कहाँ से लिया गया है? OECD. क्लियर? अब बात आती है इंडियन टैक्स ट्रीटीज. क्लियर? इंडियन टैक्स ट्रीटीज, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन टैक्स ट्रीटीज आर एज फॉलोज. अब यहाँ पे किसके ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं? इंडियन टैक्स ट्रीटीज. ये चार पॉइंट आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, 90 में भी यही दिया हुआ है, 90A में भी यही दिया हुआ है. क्लियर? इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद करना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डबल टैक्सेशन इंडियन कंस्ट्रक्ट में. सबसे पहला फॉर ग्रांटिंग रिलीफ, सबसे पहला क्या हो गया ऑब्जेक्ट फॉर ग्रांटिंग रिलीफ, इनकम ऑन विच टैक्स हैव बीन पेड बोथ अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट प्रिवेल्ड इन दैट कंट्री, और इनकम टैक्स चार्जेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड करस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री टू प्रमोट म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट. सबसे पहला ग्रांटिंग रिलीफ, सेकेंड फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन. फर्स्ट क्या हो गया? फॉर ग्रांटिंग रिलीफ. दूसरा क्या हो गया? अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन. थर्ड देखो, फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. और लास्ट क्या हो गया? फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स. इंडियन टैक्स ट्रीटी के मेन चार ऑब्जेक्ट क्या हो गए? इंडियन टैक्स ट्रीटी के मेन चार ऑब्जेक्ट क्या हो गए? सबसे पहला ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ, सेकेंड अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स. रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स. क्लियर हुआ? तो मॉडल कन्वेंशंस दो हमें देखना है, OECD और दूसरा UN, दोनों के ऑब्जेक्ट्स. और थर्ड हम किसका देख रहे हैं? इंडियन टैक्स ट्रीटीज. इंडियन टैक्स ट्रीटीज के मेन प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? चार. सबसे फर्स्ट क्या हो गया? ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ, सेकंड अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, थर्ड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और फोर्थ वन इज रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स. क्लियर? चलो अब देखो, मैंने आपको बताया था रिलीफ की जब भी बात करेंगे तो DTAA के चैप्टर में तीन है, 90, 90A, 91. वापस समझना, 90 किस किस के बीच में है? एग्रीमेंट विथ फॉरेन कंट्रीज और स्पेसिफाइड टेरिटरीज. सेक्शन कौन सा लग रहा है? 90. क्लियर? कौन सा सेक्शन लगा? 90. एडॉप्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एग्रीमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीमेंट को अडॉप्ट कर रही है बिटवीन स्पेसिफाइड एसोसिएशंस फॉर डबल टैक्सेशन रिलीफ. सेक्शन 90A, दोनों सेम है. क्लियर? कंट्रीज विथ विच नो एग्रीमेंट एग्जिस्ट. कौन सा सेक्शन लग रहा है? 91. क्लियर हुआ? तो तीन सेक्शन हो गए, 90, 90A और 91. कितने सेक्शंस हो गए? तीन, 90, 90A और 91. वापस समझना, हम DTAA रिलीफ कितने वे में क्लेम कर, सॉरी कितने सेक्शंस में रिलीफ आ सकता है? तीन, 90, 90A और 91. द सेंट्रल गवर्नमेंट में एंटर इन टू एन एग्रीमेंट विथ गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया और ए स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया. काय के लिए? ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स. तो ये चारों पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्टिव. डन. चलो सेकेंड, वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इन टू एन एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया एज द केस में बी अंडर सबसेक्शन वन फॉर ग्रांटिंग रिलीफ ऑफ टैक्स और एज द केस में बी अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन देन इन रिलेशन टू SSE टू हुम सच एग्रीमेंट अप्लाई प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द एक्सटेंट दे आर मोर बेनिफिशियल टू द SSE. दे आर मोर बेनिफिशियल टू द SSE. मतलब यहां पे किसका बेनिफिट देखा जाएगा? SSE का. किसका बेनिफिट देखा जाएगा? SSE का.
मान लीजिए DTAA में रेट 35% है और इनकम टैक्स एक्ट रेट रेटेड 10%, तो हम क्या फॉलो करेंगे? 10%, जिसमें एसएससी को बेनिफिट होगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कवर है, क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ DTAA, चार ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान देना है। फर्स्ट वन इज ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। सेकंड में सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री के बीच में अगर कोई DTAA है और इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है, तो हम क्या फॉलो करेंगे? विच एवर इज बेनिफिशियल टू द असेसी। थर्ड देखो, एनी टर्म यूज बट नॉट डिफाइंड इन इनकम टैक्स एक्ट और इन एग्रीमेंट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1। क्लियर हुआ? कोई भी ऐसा टर्म जो नॉट इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन नहीं है, एग्रीमेंट में नहीं है, शाल अनलेस कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एंड इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और एग्रीमेंट हैव सेम मीनिंग एज असाइन टू इट इन नोटिफिकेशन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गैजेट इन दिस behalf, it is hereby declared that where any term used in an agreement entered into under subsection 1 is defined under said agreement, the said term shall have same meaning as assigned to it in the agreement, and where term is not defined in the said agreement but defined in the act, it shall have same meaning as assigned to it in the act and explanation if any given it to by central government। मतलब अगर कोई ऐसा word है जो कहाँ पर define नहीं है, income tax act में भी नहीं है, agreement में भी नहीं है, और तब हम कहाँ से लेंगे? Have same meaning as assigned to it in notification issue करेगी central government in official gadget, clear? अब fourth देखो, an assessee not being a resident to whom an agreement referred to in subsection 1 apply shall not be entitled to claim any relief under such agreement unless a certificate of his being a resident in any country outside India or specified territory as the case may be is obtained by him from the government of that country or specified territory। मतलब उसको क्या देना पड़ेगा? कुछ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। दैट सर्टिफिकेट इज कॉल्ड TRC। द असेसी रेफर टू इन सबसेक्शन 4 शैल ऑल्सो प्रोवाइड सच अदर डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। क्लियर हुआ? तो ये पांच पॉइंट्स पे अपने को ध्यान देना है। कितने पॉइंट्स पे ध्यान देना है? पांच पॉइंट पे। क्लियर? ये कौन सा सेक्शन हो गया? 90। अब बेटा देखो कौन सा है? 90A, एडॉप्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन स्पेसिफाइड एसोसिएशन फॉर डबल टैक्सेशन रिलीफ। कोई भी स्पेसिफाइड एसोसिएशन इंडिया में एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ, वर्ड्स पे ध्यान देना, विथ एनी स्पेसिफाइड एसोसिएशन इन स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट मेक सच प्रोविजन एज मे बी नेसेसरी फॉर अडॉप्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सच। यहाँ पे एग्रीमेंट पहले कौन कर रहा है? स्पेसिफाइड एसोसिएशन इन इंडिया प्लस स्पेसिफाइड एसोसिएशन इन स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, और उस एग्रीमेंट को अडॉप्ट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 90A आर एग्जैक्टली एज सेम 90। मतलब जो 90A में दिया है, सॉरी जो 90 में दिया है, वही पूरे कहाँ पे कैरी आउट होंगे? 90A में। क्लियर? Explanation for the purpose of this section expression specified association means institution, association, body, whether incorporated or not, functioning under any law for time being in force in India or laws of specified territory outside India and which may be notified by such central government for the purpose of this section। इसकी list दी हुई है। फिर एक specified territory, any area outside India which may be notified as central government for the purpose of this section। सिर्फ थ्योरी के लिए आप जस्ट इतना याद रखो, स्पेसिफाइड एसोसिएशन और स्पेसिफाइड टेरिटरी। क्लियर हो गया? तो 90 और 90A दोनों लगभग सेम है। अब काय की बात आ रही है? ऐसी कंट्रीज जिसके साथ इंडिया का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। बेटा ये मैं अभी थ्योरी पूरी पढ़ा दे रहा हूं, इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरे जो 6 क्वेश्चंस हैं तो मैक्सिमम प्रैक्टिकल काय पे बेस्ड रहेंगे? 91 पे। मैक्सिमम प्रैक्टिकल काय पे बेस रहेंगे? 91। तो ये लेक्चर देखने के बाद एक बार DTAA की आप पूरी थ्योरी रीड कर लेना, फिर एक लेक्चर में हम पूरे प्रैक्टिकल्स हम सॉल्व करेंगे।
इफ एनी पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर प्रूव्स दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम विच अक्रूड और अराइज ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर आउटसाइड इंडिया एंड विच इज नॉट डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ही हैज पेड इन एनी कंट्री विथ विच देयर इज नो एग्रीमेंट अंडर 90 फॉर रिलीफ ऑफ अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ही शैल बी एंटाइटल्ड डिडक्शन फ्रॉम इंडियन इनकम टैक्स पेएबल बाय हिम ऑफ अ सम कैलकुलेटेड ऑन उसको काय पे रिलीफ मिलेगा ध्यान देना डबली टैक्स्ड इनकम पूरी इनकम पे रिलीफ नहीं क्लेम करेगा सिर्फ कौन सी इनकम पे डबली टैक्स्ड इनकम ऐसी इनकम जो बाहर भी टैक्सेबल हो रही है और इंडिया भी टैक्स इंडिया में भी टैक्सेबल है उस पर वो क्या क्लेम कर लेगा रिलीफ एट इंडियन रेट ऑफ टैक्स और रेट ऑफ टैक्स ऑफ द सेट कंट्री विच एवर इज लोअर और एट इंडियन रेट ऑफ टैक्स इफ बोथ रेट्स आर इक्वल क्लियर विच एवर इज लेस जो भी कम रहेगा उस पर वो क्या क्लेम करेगा रिलीफ क्लेम करेगा तो 91 कब लगता है बायलेटरल रिलीफ पे लगेगा कि यूनिलेटरल रिलीफ यूनिलेटरल रिलीफ ऐसी कंट्रीज जिसके साथ इंडिया का एग्रीमेंट नहीं है रिलीफ काय पे मिलेगा डबली टैक्स्ड इनकम पे वापस सुनना रिलीफ काय पे मिलेगा डबली टैक्स्ड इनकम पे उस डबली टैक्स्ड इनकम पे इंडियन रेट से भी निकालेंगे और फॉरेन रेट विच एवर इज लोअर पूरे अपन इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में देखेंगे क्लियर इफ एनी पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर प्रूव्स दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम विच अक्रू और अराइज टू हिम ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर इन पाकिस्तान ही हैज पेड इन दैट कंट्री बाय डिडक्शन और अदरवाइज टैक्स पेएबल टू द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इन दैट कंट्री रिलेटिंग टू टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ध्यान देना काय से रिलेटेड रिलेटिंग टू टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ही शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्शन फ्रॉम इनकम टैक्स पेएबल बाय हिम उसको क्या मिल जाएगा डिडक्शन मिल जाएगा ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स पेड इन पाकिस्तान अंडर एनी लॉ अफोर्सेड ऑन सच इनकम विच इज लायबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट ऑल्सो और ऑफ अ सम कैलकुलेटेड ऑन दैट इनकम एट इंडियन रेट विच एवर इज लेस डिस्कस इन एग्जाम्पल क्लियर तो अभी तीन सेक्शन हमने देख लिए 90, 90A और 91 तो डी टी डबल ए के रिलीफ कितने वे में हो सकते हैं तीन 90, 90A और 91 90, 90A और 91 अब यहां हमें मालूम होना चाहिए सबसे पहले इंडियन इनकम टैक्स चार्ज्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इंडियन रेट ऑफ टैक्स तो इंडियन रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालेंगे टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100 और फॉरेन रेट ऑफ द सेक्टर फॉरेन टैक्स डिवाइडेड बाय पूरा प्रैक्टिकल में देखना भी जस्ट छोड़ दो टैक्स ऑन सच डबली टैक्स इनकम एट द रेट एप्लीकेबल इन इंडिया विच शैल बी कंप्यूटेड ये फॉर्मूला आप जस्ट रीड कर लेना मैं आपको अभी बोल रहा हूँ ये पूरा कंसेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा बट आपको प्रैक्टिकल तक का वेट करना पड़ेगा हमें रिलीफ काय पे मिलेगा डबली टैक्स इनकम इंडियन रेट और फॉरेन रेट इंडियन रेट कैसे निकालेंगे इंडियन टैक्स डिवाइडेड बाय इंडियन इनकम इनटू 100 फॉरेन टैक्स डिवाइडेड बाय फॉरेन इनकम इनटू 100 क्लियर रिलीफ कैलकुलेटेड ऑन डबली टैक्स्ड इनकम याद रखना फर्स्ट रिलीफ हमेशा काय पे कैलकुलेट होगा डबली टैक्स्ड इनकम इसके लिए मुझे क्या निकालना है इंडियन रेट और थर्ड क्या निकालना है फॉरेन रेट व्हाट इज इंडियन रेट सिंपल है ना यार जितना आपने इंडिया में टैक्स पे किया डिवाइडेड बाय टोटल इनकम फॉरेन रेट फॉरेन टैक्स डिवाइडेड बाय फॉरेन इनकम इनटू 100 क्लियर चलो थ्योरी के लिए एक और टॉपिक शॉर्ट नोट तैयार करना है इस पे
टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। अ टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू ज्यूरिसडिक्शंस एंड क्रिएट्स फॉर बोथ पार्टीज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन विच आर टू बी रिस्पेक्टेड। इट इज नॉट अ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी बिटवीन टू स्टेट्स बट एन एग्रीमेंट बिटवीन टू ज्यूरिसडिक्शंस ओनली फॉर पर्पज ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। याद रखना ये डी टी डबल ए नहीं है, ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो सिर्फ किस चीज के लिए साइन किया गया है, पर्पज ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर? मतलब किसका स्कोप ज्यादा है, डी टी डबल ए का स्कोप ज्यादा है इन कंपेरिजन टू ट्रीटी फॉर टैक्स इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज एग्रीमेंट। पर्पज, द पर्पज ऑफ टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट इज टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन टैक्स मैटर थ्रू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू ज्यूरिसडिक्शंस। Without such TIA, it would not be possible for a tax jurisdiction to exchange or request information from other jurisdiction for tax purpose. TIAs are intended for use with countries for which DTAA is not considered appropriate, mainly because they have no or low taxes on income or प्रॉफिट। क्लियर हुआ? कई ऐसी कंट्रीज हैं जिसके साथ हम क्या नहीं कर पाते हैं DTAA, कई सारे reasons हो सकते हैं, काफ़ी कम rate है। क्लियर हुआ? अब तो ऐसी कंट्रीज के साथ हमने क्या साइन करके रखा है, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। व्हाइल TIA आर मच नैरोअर इन स्कोप देन DTAA, दे आर मोर डिटेल्ड देन DTAA ऑन सब्जेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। वैसे तो उसका स्कोप बहुत नैरो है DTAA के कंपैरिजन, लेकिन कहां जाके बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सब्जेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। दे स्पेसिफाई रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर हाउ सच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इज टू ऑकर। क्लियर बेटा? ये सी एस प्रोफेशनल के मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो इसको इतना ही पढ़ लेना कि ये होता क्या है और क्या। क्लियर? टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। चलो इस चैप्टर की लास्ट थ्योरी यहां पे भी लिख लेना, शॉर्ट नोट। मैं डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूं, बहुत शॉर्ट में बताया है, इतना अगर आप पढ़ेंगे सी एस प्रोफेशनल के लिए सफिशियंट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज, वैसे है ये काफ़ी वास्ट टॉपिक, लेकिन जितना हमारे मॉड्यूल में दिया है मैंने सिर्फ उतना ही कवर किया है। रीज़न इसका ये है कि अगर मैं DTAA को देखूंगा तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में आता है, फिर बात ये आती है कि 30 मार्क्स में वो कितना पूरा इस चैप्टर से अगर आ रहा है तो आप उतना टाइम भी दो, आएगा हार्डली, मैक्सिमम बता रहा हूँ 5 मार्क्स, और ज़्यादा हुआ तो 8 मार्क्स। क्लियर? टैक्स ट्रीटीज आर साइन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट नेशंस बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज अंडर डेलीगेटेड पावर फ्रॉम रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। टैक्स ट्रीटीज कौन साइन करती हैं? दो गवर्नमेंट साइन करती हैं। थस एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड एंड इंटरप्रेटेड इन अकॉर्डेंस विथ रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज लेड डाउन इन वियना कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ ट्रीटी। याद रखना VCLT। These rules of interpretation are not restricted to tax treaties, but also apply to any treaty between two countries. Therefore, any dispute between two nations in respect of Article 25 relating to mutual agreement procedure of OECD / UN Model Convention has to be solved in the light of VCLT. मतलब आप जब भी टैक्स ट्रीटी करोगे, टैक्स ट्रीटी बनाओगे, तो उसमें दो मॉडल फॉलो कर सकते हो, OECD और UN मॉडल। इसमें अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व किसके हिसाब से करोगे? VCLT, रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो कायम ही ले किए गए वियना कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ ट्रीटी। When it comes to application of tax treaty in domestic forum, appellate authorities and court are primarily governed by the laws of respective countries for interpretation. जब हम डोमेस्टिक की बात करते हैं तो हम अपना खुद का लॉ फॉलो करेंगे, जब इंटरनेशनल डिस्प्यूट होगा और हमारी ट्रीटी किसके अकॉर्डिंग बनी होगी, OECD / UN मॉडल, तब हमें किस चीज को देखना है, वियना कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ ट्रीटी। देयर आर However, several important differences between tax treaties and domestic tax legislation. First, because two contracting states are involved in every treaty, questions of interpretation should be resolved by reference to mutual intention and expectations of both of them. Tax treaties are addressed to a broader audience than domestic legislation, namely टू बोथ द गवर्नमेंट एंड टैक्सपेयर्स ऑफ ईच कंट्री। भाई डोमेस्टिक लेजिस्लेशन सिर्फ हमारी कंट्री और टैक्स ट्रीटीज दोनों कंट्रीज को कवर करता है। टैक्स ट्रीटीज आर ऑफन नॉट ड्राफ्टेड यूजिंग सेम टर्म्स एज डोमेस्टिक लेजिस्लेशन। भाई टैक्स ट्रीटीज को कभी भी डोमेस्टिक लेजिस्लेशन या सेम टर्म्स यूज नहीं किए जाते, बहुत डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू एन
United Nations Model Convention uses the term enterprise, which is not used in domestic legislation in many countries. Tax treaties are primarily relieving in nature. As discussed above, they do not impose tax. Clear? भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही. अब सबसे पहले फुर्सत में आप पूरा थ्योरी कंप्लीट करो DTAA का. नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ 6 प्रैक्टिकल्स हैं, मैंने यहीं पे डाल दिए, वो देख लेना. तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये 6 प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करा दूंगा, तो आपका DTAA कंप्लीट हो जाएगा. DTAA एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस में भी है, वो भी देख सकते हैं लेक्चर. CS प्रोफेशनल नए सिलेबस में भी है और ओल्ड सिलेबस में भी है, और हर अटेम्प्ट में देखेंगे तो क्वेश्चन आता ही है. क्लियर? चलिए बस आज इतना ही.